हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था एसिड और बेस के बारे में। आज हम यहाँ पे न्यू टॉपिक डिस्कशन करेंगे, तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिकेटर्स के लिए। तो इंडिकेटर होता क्या है, पहले हम वो जानेंगे। तो इंडिकेटर का मतलब क्या, इंडिकेटर मतलब दैट इज अ सब्सटेंस सब्सटेंस विच helps for identification of acids and bases। ऐसे chemical substances जो acid और base को identify करने में help करें, उसे हम क्या बोलेंगे, indicator बोलेंगे। क्लियर। इंडिकेटर में उसमें सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर के लिए बोलेंगे। नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है, नेचुरल इंडिकेटर का मतलब जो नेचर में से ऑब्टेंड होता। तो उसमें कौन कौन से नेचुरल इंडिकेटर हैं, तो हम सिंपल दो एग्जांपल, जो फर्स्ट वन है दैट इज लिटमस सॉल्यूशन, और जो सेकेंड वन है दैट इज टर्मरिक। ठीक, अगर ये जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं वो अगर एसिड के साथ में कंबाइन हो तब कौन सा कलर इंडिकेट करेंगे, और अगर बेस के साथ में कंबाइन हो तब वो क्या शो करेंगे। तो नॉर्मली जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं वो सिर्फ कलर चेंजिंग के थ्रू ही हमें शो करते हैं, हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि आइदर इट विल बी एसिड और बेस। मीन्स अगर कोई पर्टिकुलर केमिकल सब्सटेंस है वो हम एसिड में ऐड करें तो वो क्या देगा, पर्टिकुलर कलर शो करेगा एसिड के साथ में, या फिर बेस के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं तो बेस के साथ में वो कंबाइन होने के बाद में फिर वो पर्टिकुलर कलर शो करेगा। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप है इंडिकेटर का दैट इज नेचुरल इंडिकेटर। ठीक है, तो उसमें लिटमस सॉल्यूशन के लिए हमने बोला, तो लिटमस के पेपर के बारे में हमने प्रीवियस में डिस्कशन किया था कि लिटमस सॉल्यूशन जो है वो पहले रेड फॉर्म करेगा, ब्लू लिटमस टू रेड, और जो बेस के साथ में कंबाइन होगा तो रेड टू ब्लू होगा। ठीक, तो ये ब्लू कलर कब होगा, ऑब्टेन कब होगा, जब वो एसिड के साथ में कंबाइन करेंगे तब, और बेस के साथ में अगर कंबाइन होगा तो जो रेड लिटमस होगा वो ब्लू में कन्वर्ट होगा, ब्लू के ऊपर कोई भी इफेक्ट होगा नहीं अगर वो बेस है तो। टर्मरिक के केस में अगर एसिडिक मीडियम में हम टर्मरिक ऐड करें तो वो येलो कलर शो करेगा, लेकिन अगर टर्मरिक को हम किसी पर्टिकुलर बेस में फॉर्म करें तो वो रेड कलर शो करेगा। कहने का मतलब क्या कि बाय यूजिंग आइदर लिटमस सॉल्यूशन और टर्मरिक, सबके घर में टर्मरिक होता है, तो वो टर्मरिक से भी हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो दैट इज अबाउट फर्स्ट इंडिकेटर, दैट इज नेचुरल इंडिकेटर। जो सेकेंड टाइप है दैट इज सिंथेटिक इंडिकेटर्स। सिंथेटिक इंडिकेटर्स का मतलब क्या, जो सिंथेसाइज किए जा रहे हो, जो केमिकली प्रिपेयर्ड किए जा रहे हो, ऐसे इंडिकेटर्स विच आर सिंथेसाइज्ड दैट इज नोन एज अ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो सिंथेटिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं, तो सिर्फ बहुत सारे हैं, उसमें से सिर्फ हम दो के लिए एग्जांपल कंसिडर करते हैं। पहला जो है वो फिनोफ्थलीन। अब यहाँ पर ध्यान रखना, जब हम स्पेलिंग लिखेंगे तो उसमें फिनॉल है पहले, बाद में थैलीन है, तो इसमें एल और पी एच, एल पी एच, फिनोफ्थलीन बोलते हैं, फिनॉल फथेलीन में नहीं बोलते। ठीक, तो प्रोनाउंसिएशन में याद रखना, दैट इज फिनोफ्थलीन। तो पहला जो एग्जांपल दैट इज फिनोफ्थलीन। सेकेंड वन जो हम कंसिडर करते हैं वो कंसिडर कर लेते हैं मिथाइल ऑरेंज। ठीक, ये दोनों इंडिकेटर के नाम है जो सिंथेसाइज किए जाते हैं और इवन हमारी केमिस्ट्री लैब में भी अवेलेबल है, तो उससे हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर फिनोफ्थलीन को एसिडिक सॉल्यूशन में हम ऐड करें तो वो कलरलेस होता है। कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन अगर फिनोफ्थलीन को हम बेस में ऐड करें तो वो पिंक कलर शो करेगा।
ठीक है। लेकिन मिथाइल ऑरेंज के केस में अब दूसरा कलर शो करने वाला है, क्योंकि इंडिकेटर क्या हो गया, केमिकल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो मिथाइल ऑरेंज अगर एसिडिक सॉल्यूशन में हम ऐड करेंगे तो वो शो करेगा ऑरेंज कलर, ठीक। लेकिन अगर मिथाइल ऑरेंज बेस के साथ में कंबाइन होगा तो वो शो करेगा येलो कलर। तो अलग अलग कंपोनेंट्स, अलग अलग मीडियम में, एसिडिक मीडियम बोलो या फिर बेसिक मीडियम बोलो, वहाँ पे अलग अलग कलर शो करने वाले हैं, ठीक। अब जो थर्ड वन है, द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज ओलफैक्टरी इंडिकेटर्स। ये क्या होते हैं? यहाँ पे लास्ट वाले में, थर्ड कंडीशन में, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस होगा, जो केमिकल सब्सटेंसेस है जो हम ऐड कर रहे हैं, उसका ऑर्डर चेंज होगा। ऑर्डर का मतलब उसका जो स्मेल है वो चेंज होगा। हियर ऑर्डर ऑफ इंडिकेटर्स गोइंग टू बी चेंज्ड, ठीक। यहाँ पे कलर चेंज हो रहे थे और यहाँ पे क्या होगा, उसका जो स्मेल होगा, कैसे स्मेल आ रही है वो चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल वेनिला, अगर हम वेनिला को कंसिडर करें तो जो एसिडिक मीडियम होगा उसमें और बेस में जो स्मेल होगा वो अलग होगा। वेनिला का जो स्मेल होता है अगर एसिडिक मीडियम में ऐड करें तो उसका ऑर्डर इंक्रीज होता है, उसका जो पर्टिकुलर ऑर्डर है, पंजेंट ऑर्डर, वो बढ़ेगा। और बेस में करेंगे तो वहाँ पे कोई भी चेंजेस होने वाला नहीं है। तो ये कुछ इंडिकेटर्स के बारे में कि इंडिकेटर क्या होता है जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करे। तो उसमें तीन टाइप्स है, नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक है और ओलफैक्टरी। तो नेचुरल में जो नेचुरली ऑब्टेंड होते हो, सिंथेटिक में जो हम सिंथेसाइज करते हो, और ओलफैक्टरी में मतलब ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस जो सिंथेसाइज तो किए जा सकते हैं बट वहाँ पे एसिड और बेस में ऑर्डर चेंज होगा, ठीक है। फर्दर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब किसी भी सब्सटेंस में केमिकली जो चेंज आ रहा हो बाय द रिएक्शन विथ अनदर मॉलिक्यूल, उसे हम क्या बोलेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ है दैट इज रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस विथ मेटल्स। मेटल के साथ में रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, अगर एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, अगर एसिड, कोई भी पर्टिकुलर एसिड मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, इट विल फॉर्म सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन गैस, ओके। सॉल्ट और डाइहाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा व्हेन, तो इसके स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विथ मेटल्स इट फॉर्म्स सॉल्ट विथ रिमूवल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। डाइहाइड्रोजन गैस के साथ में वो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट फॉर्म करने वाला है। तो ये कंडीशंस हमें मेंशन करनी पड़ेगी कि वहाँ पे क्या पर्टिकुलर कंपोनेंट जो फॉर्म हो रहा है वो कंपोनेंट कौन सा है। उसके बाद अगर एग्जांपल लिखना हो तो एसिड के केस में हम क्या लिखेंगे, एसिड सपोज कंसिडर करो HCl और मेटल में हम कंसिडर कर लें जिंक मेटल Zn। तो ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये कौन सा मेटल है हमारा, जिंक मेटल। जब इसके साथ में रिएक्ट करेगा इट विल फॉर्म ZnCl2 प्लस H2।
तो ZnCl2 जो है दैट इज जिंक क्लोराइड और ये डाइहाइड्रोजन क्या है गैस। हमेशा कोई भी मेटल अगर एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो क्या फॉर्म करने वाला है, तो सॉल्ट फॉर्म करने वाला है। यहाँ पे सॉल्ट कौन सा है, जिंक क्लोराइड। सिमिलरली अगर कोई भी बेस मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, व्हेन बेस रिएक्ट्स विथ metals it forms salt with removal of dihydrogen gas। डाइहाइड्रोजन के साथ में यहाँ पे भी डाइहाइड्रोजन गैस रिलीज होगा और यहाँ पे भी सॉल्ट फॉर्म होगा। फॉर एग्जांपल अगर इसको हमें इक्वेशन के टर्म में लिखना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं बेस प्लस मेटल गिव्स आउट सॉल्ट प्लस डाइहाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे बेस अगर हम कंसिडर करें तो बेस को लिए सिंपलेस्ट एग्जांपल कौन सा, NaOH। NaOH जब भी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा, कंसिडर कर लो जिंक मेटल ही है, तो ये फॉर्म क्या करेगा Na2ZnO2 विद द रिमूवल ऑफ H2। अब हमने यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस नहीं किया है, पहले देख लो उसको। यहाँ पे HCl और Zn एक है, यहाँ पे Zn एक है, लेकिन Cl यहाँ पे एक है, यहाँ पे कितने हैं 2। इसके लिए आगे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई। ये केस में बेस मेटल के साथ में रिएक्ट किया तो सॉल्ट मिला और डाइहाइड्रोजन। इक्वेशन बैलेंस करो, Na यहाँ पे कितना है, एक ही दिख रहा है, यहाँ पे Na कितने हैं 2। इसके लिए आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो Na2 हो गए, Zn एक है, ऑक्सीजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है, ओके 2 × 1, 2 का सब में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। तो ये क्या है हमारा फॉर्मूला NaOH को, उसको क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, और ये क्या है हमारा जिंक मेटल, क्या फॉर्म हुआ Na2ZnO2, इसका नाम क्या होगा सोडियम जिंकेट विद द रिमूवल ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस। अब ऐसी कंडीशन में चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, जब भी वो दोनों मेटल के साथ में, किसी भी मेटल के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो सॉल्ट ही फॉर्म करने वाला है और उसके साथ में डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी, डाइहाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब हम बात करेंगे कि अगर डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है तो उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि वो डाइहाइड्रोजन गैस ही है। अगर हाइड्रोजन गैस जो लिबरेट हो रही है, सपोज अगर पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिड का सॉल्यूशन है, ठीक, एसिड के सॉल्यूशन के अंदर मैंने जिंक के क्रिस्टल्स लिए हैं, पार्टिकल्स लिए हैं मेटल के, वो ऐड कर दिया, तो क्या होगा, दोनों के बीच में रिएक्शन स्टार्ट होगी। तो अगर ये क्लोज कर दे टेस्ट ट्यूब और इसमें एक पर्टिकुलर ग्लास लगा दे और इसको डायरेक्टली हम क्या करें, वाटर बाथ में रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ से बबल्स के फॉर्म में गैसेस इवॉल्व होगी, ऊपर आएगी, और यही गैसेस को अगर कैंडल लाइट के साथ में रखें तो ये क्या होगा, स्पार्किंग टाइप में होगा विथ पॉप अप साउंड। जैसे अपने दिवाली पे पटाखे फोड़ते हैं तो कैसी आवाज़ आती है, सेम वैसे ही अगर जो हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, लिबरेट होने के बाद अगर उसको कैंडल के
जो लाइटिंग है उसके साथ में कांटेक्ट में आएगी तो पॉपअप साउंड जैसा वो साउंड करेगा, वैसे साउंड हम ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके थ्रू हम हाइड्रोजन गैस के लिबरेशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मेटल के लिए हमने बोल दिया कि वो रिएक्ट करने के बाद सॉल्ट और डाइहाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा, अगर मेटल कार्बोनेट्स होंगे तो मेटल कार्बोनेट के कंडीशन में क्या फॉर्म होगा वहाँ पे? वहाँ पे अगर सॉल्ट फॉर्मेशन है या फिर न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, कौन सी प्रोसेस वहाँ पे होने वाली है तो वो देखेंगे अभी। सेकेंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दैट इज रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट्स, किसका रिएक्शन? एसिड और बेस का। तो सबसे पहले मेटल कार्बोनेट्स क्या होंगे? तो कार्बोनेट का जो फॉर्मूला है दैट इज CO3-2, और जितने भी मेटल है या तो प्लस वन हो सकता है या तो प्लस टू हो सकता है। ठीक, अगर प्लस वन में होगा तो प्लस वन में फॉर्मूला क्या फॉर्म होगा? तो M2CO3। जो ये नंबर है तो यहाँ पे प्लस वन है, यहाँ पे प्लस टू, टू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे वन में, वन का मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे, तो M के कितने हो गए? टू, और CO3 वन, तो M2CO3। अगर ये प्लस टू है और CO3-2 है तो ऐसी कंडीशन में दोनों टू और टू है तो रिजल्टेंट क्या मिलने वाला है? वन मिलने वाला है। इसके लिए उसका रेशियो वन होगा तो ये कितना मिलेगा? MCO3। तो देखते हैं यहाँ पे, अगर कोई भी एसिड है अगर वो मेटल कार्बोनेट के साथ में अगर वो रिएक्ट करेगा तो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करने के बाद इट विल फॉर्म सॉल्ट विद द रिमूवल ऑफ CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा और उसके साथ में वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा। सो स्टेटमेंट क्या फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे हम? व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विथ मेटल कार्बोनेट्स, मेटल कार्बोनेट्स इट फॉर्म्स सॉल्ट विथ रिमूवल ऑफ CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अगर हमें एसिड की तरह कंसीडर करना है तो कंसीडर कर लो HCl। कार्बोनेट्स, तो कार्बोनेट्स में एकदम सिंपलेस्ट वन कौन सा? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अगर ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा? इट विल फॉर्म NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ये दोनों कंडीशन तो सेम रहने वाली है, CO2 और H2O, भले उसके नंबर चेंज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अब इक्वेशन बैलेंस करें, यहाँ पे Na कितना है? 2, यहाँ पे Na कितना है? 1, तो हम आगे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे फर्दर Cl यहाँ पे कितने हैं? 2 है, यहाँ पे Cl कितने हैं? 1 ही है, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करें हम? 2 से मल्टीप्लाई करें, तो 2HCl प्लस Na2CO3 गिव्स आउट 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, तो यहाँ पे जब हम कार्बोनेट्स के लिए देखेंगे तो जब भी एसिड कार्बोनेट्स के साथ में रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा? CO2 विद वाटर मॉलिक्यूल। जो कार्बोनेट्स हैं उसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी आते हैं। सो व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, इट फॉर्म्स सॉल्ट विथ रिमूवल ऑफ
CO2 एंड H2, CO2 और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे भी रिमूव होंगे। तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का फॉर्मूला क्या होगा? तो सिंपल वहाँ पे हम इक्वेशन लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, दैट इज मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स को ही मेटल बाई कार्बोनेट्स बोलते हैं, प्लस एसिड गिव्स आउट सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2, ये फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल अगर कंसीडर करें तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम बाई कार्बोनेट बोलते हैं। क्या है ये? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो ये फॉर्म करेगा NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। ठीक, ये क्या है हमारा? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और ये Na2CO3 क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट। तो दो टाइप के कार्बोनेट्स होते हैं, एक तो सिंपल कार्बोनेट, सो मेटल कार्बोनेट्स, और दूसरा जो है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो हमें ध्यान रखना है, बट दोनों में जो प्रोसेस होगी वो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम है। अब यहाँ पे सोडियम कितना है? 1, तो सोडियम 1 है, CO3 कार्बन एक है, CO2 आया, फिर H यहाँ से और H यहाँ से H2O फॉर्म किया। ठीक है, इसके अंदर HCO3 जो है, CO3 का CO2 कन्वर्ट हुआ और OH यहाँ से, H यहाँ से H2O फॉर्म हुआ। ठीक है, अब जितने भी कार्बोनेट्स हैं ना, मेटल कार्बोनेट्स, वो ऑलमोस्ट बेसिक इन नेचर होते हैं। कैसे होते हैं? बेस होते हैं। मेटल कार्बोनेट्स का जो नेचर है, दे आर बेसिक इन नेचर। इसके लिए मेटल कार्बोनेट्स इसके साथ में, बेस के साथ में रिएक्शन शो नहीं करते, सिर्फ एसिड के साथ में ही शो करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि हाइड्रोजन को कैसे हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। तो इसके लिए क्या करेंगे? फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ CO2 का आइडेंटिफिकेशन कैसे करने वाले हैं? अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ में अगर हम कंबाइन करें तो इट विल फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट। अगर CaOH ट्वाइस जो है वो CO2 के साथ में, लाइम वाटर जो है वो CO2 के साथ में अगर रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म CaCO3 विद द रिमूवल ऑफ H2O। ये लाइम वाटर CO2 फॉर्म क्या करेगा? कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि वाइट कलर का प्रेसिपिटेट्स होता है, वाइट कलर के सॉलिड फॉर्म हो जाएंगे। अगर पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लें और उसमें CO2 गैस हम पास करेंगे तो पास करने के बाद हमें वाइट कलर का प्रेसिपिटेट्स मिलेगा। लेकिन अगर यही CO2 एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो जो CaCO3 प्लस H2O रिलीज हुआ वो एक्सेस CO2 के साथ में कंबाइन होके CaHCO3 ट्वाइस फॉर्म कर लेगा। ठीक, जो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, एक्सेस CO2 यहाँ पे प्रेजेंट होगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2O ये तो यहाँ पे प्रोड्यूस हुए थे, उसमें एक्सेस CO2 कंबाइन होकर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा। इसका नेम क्या होगा? कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये भी वाइट कलर का ही कंपाउंड होता है। इस तरह से हम CO2 जो लिबरेट हो रही है गैस, उसको हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। तो आज के लिए सिर्फ ये दो केमिकल रिएक्शन, फर्दर 3 और न्यूमेरिकल्स इक्वेशंस हैं, द रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड और एसिड बेस का आपस में क्या रिएक्शन है और उसके साथ में उसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज, वो भी हम डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो आज के वीडियो लेक्चर में सिर्फ ये दो रिएक्शंस, कौन से? मेटल के साथ में और मेटल कार्बोनेट्स के साथ में। थैंक यू।